हाय, हाय, धमकी दे रहे हो क्या मेरे व्यूवर्स को? जल्दी 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 जल्दी, आपके पास टाइम कम है, इतना लेट क्यों उठते हो? संडे तो मिलता है। आज संडे का मंडे बन गया, आज भी आज ही मेरा बंदा जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे, और आज का जो मेरा व्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं अपनी छोटी नैना रेखा के बारे में कुछ बातों का खुलासा करने वाली हूँ, तो दिल थाम के बैठना और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना बीच से। तो मिलते आज हैं। बना रही है पाव भाजी, जिसकी रेसिपी मैं आज आपसे बना बोलूंगी। सॉरी टू से, आज मैं पाव भाजी की रेसिपी आपसे शेयर करना भूल गई। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपसे पक्का शेयर करूंगी। पाव भाजी, ये है भाजी। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। आज संडे है तो वर्कआउट से छुट्टी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्कआउट नहीं। मेकअप कम करिए थोड़ा। ये बंदा नहाए नहीं और मेकअप हो रहा है, देखो जरा देखो जरा देखो। अभी जाना जल्दी, मुझे टाइमिंग टाइमिंग का पता ही नहीं था कि भाई इतने बजे जाना है। और मेल खुला हाँ तो देखा, तो मैसेज में 15 मिनट रह गया था। अब 15 मिनट बंदा नहाएगा धोएगा क्या करेगा। तो यहाँ रेडी है मेरा भाजी, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। क्या कलर आया यार, मस्त कलर है। और मैंने इसमें बटर भी डाल दिया है। तो भाई जैसे मैंने वादा किया था, मैं जल्दी आऊंगा और वही वादा मैंने निभाया है। और अभी मैं जा रहा हूँ ध्रुव और अपना हेयर कट करने। तो इनका बाल ही नहीं हाँ, है, इनका कहाँ से हेयर कट आपका तो करेंगे? कटा हुआ है, आप क्या एक करेंगे? साल साइड से साइड का, पता ही साइड नहीं साइड है। का, साइड साइड के थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो तो हेलो गाइस, हम बाल कटा के आ गए हैं आज, तो मजा आ गया यार। दोस्तों बताना कि इसके बाल अच्छे कटिंग हुए हैं मेरे मेरे पापा या पापा के बेटे के। भाई, हम अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो हम उस पर तो खाएंगे देखते हैं कि जो हमारी आयुषी है, जिसको वो। हम गुन्नू के नाम से भी बोलते हैं और पूजा के नाम से भी उसको बोलते हैं, तो वे हमारे लिए क्या ला रही है। चलिए अच्छा ध्रुव, चलो ये देखो हमारी प्यारी सी गुड़िया। अरे ये वाह, तो ये क्या पाव है, है? पाव भाजी। पाव भाजी, चलो अच्छा, चलो चलो जल्दी से, अरे चलो वाह, चलो वो तो चलो बड़ा फेवरेट है। अरे आ पाव जा आ भाजी, जा आ चलो जा, आ खाना जा। खाना आ गया है पाव भाजी, अब हम खाने जा रहे हैं इसको। अब हम यहाँ पे खाएंगे। कितने दिनों बाद खा रहे हो पाव भाजी? दस्तारों भी हो गया ओ कैसा है? एकदम मजा आ रहा है। और मेरी प्यारी गुन्नू कैसा है, बता रहा है एक बार। तो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को पाव भाजी पसंद है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं खेलने। ये देखिए बैट और बॉल है, ये देखो, तो मेरे को काफी टाइम दिनों से टाइम नहीं मैं अपने बेटे के लिए निकाल पा रहा था, मगर आज वो टाइम आ गया है जब बाप और बेटे मिलके जान जाएंगे खेलने, वो भी क्या क्रिकेट। तो गाइज आज मैं और मेरे हस्बैंड यानी रेखा के भैया, हम दोनों रेखा को खुलासा। तो रेखा, ये आप वीडियो देखोगे ना तो दिल थाम कर बैठना, आपकी सारी शरारतें निकलने वाली है अभी। तो आप लोगों ने रेखा का एक साइड देखा है, जो बहुत प्यारी है, एजुकेशनल है, सबकी हेल्प करती है हर तरीके से। वो बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी प्रॉब्लम लड़कियों के है जो बोल नहीं पाती, खुद से फेस नहीं पाती, उस चीज को लेकर, उस चीज का टॉपिक लेकर रेखा आपसे शेयर करती है, सारी हेल्प करती। लेकिन ये रेखा का एक साइड है, दूसरा साइड मुझसे बेहतर इनके भैया जानते हैं, इनको पता है मैं तो बाद में आई ना। ये तो मतलब बोलते हैं ना, अपना खून तो अपना खून होता है, ज्यादा जानता है कि नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल आज सही। भैया करेंगे रेखा का खुलासा। तो रेखा रेडी रहना, ठीक है? तो गाइस मैं बी नेचुरल की रेखा, जो कि मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ कि जब हम बचपन में थे तो बचपन के जो वो लम्हे और जो पल होते हैं वे हमेशा हमारे लाइफ और जिंदगी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत खास होती है। हाँ, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे
पल हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जाऊंगा कि रेखा की वजह से मेरे को उस समय कितना डांट सुनना पड़ता था और प्लस मेरे को कितना मार भी पड़ती थी। तो रेखा वे सब मेरे को याद है कि पापा ने कब मेरे को कितना डांटा और कब मेरे को कितना मारा, अभी भी मेरे दिमाग में बैठा है। तो वही सब चीजें मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। और मम्मी बताती कि रेखा भैया को ही नहीं, दीदी को, अमित को, सबको डांट खिलवाती थी, सबको मार खिलवाती थी और लास्ट में खुद बच जाती थी। इतनी शैतान थी रेखा। तो दोस्तों बात उस समय की है जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तो मेरे जो टेस्ट कॉपीज होती थी तो मेरे जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आता था तो मैं क्या करता था, उस सब्जेक्ट की कॉपी को, उस समय हमारे पास एक छोटी सी अलमारी थी, तो मैं क्या करता था कि जो मेरे पुराने जो बुक है मैं बुक के बीच में उसको डाल देता था, क्योंकि वे जो कॉपी थी ना वो काफी पतली पतली थी। ऐसे क्या देख रही है, नोबिता थे क्या? डोरेमोन का वो भी अपनी जीरो वाली कॉपी छुपाता चलता है। नहीं, नोबिता तो जीरो लाता था, मैं नंबर लाता था मगर थोड़ा कम लाता था, जो पापा मम्मी जो थे मेरे वो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, मगर किसी किसी सब्जेक्ट में मैं उतने नंबर नहीं लाता था, तो डर के मारे कि भाई पापा अब क्या बोलेंगे, मेरे को मारेंगे। तो भाई वो तो बचपन में तो सबके साथ भी ऐसे ही होता है। क्या तुमने ऐसा नहीं किया होगा? क्या किया है, आते भी नंबर कम थे लेकिन मैं छुपाती नहीं थी, झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैं क्या मार बहुत पड़ती थी मम्मी पापा की, वो क्रैक थी, मैं क्या करता था उसमें अपने जो टेस्ट कॉपीज है उसको एकदम छुपा के रख देता था। मगर ये जो रेखा है ना, इसके अंदर पता नहीं कौन सा जासूसी का कीड़ा, मतलब स्टार्टिंग से ही दिमाग में था, वे मतलब पता कर लेती थी, पता नहीं, जबकि उस जो बुक रैक है वो केवल मेरा ही था, उसमें उसकी कोई ना कॉपी ना किताब कुछ भी नहीं होता था उसमें, मगर तब भी जाके पता नहीं वे क्या, मतलब कि ढूंढती, हमेशा ढूंढती रहती कुछ मिल जाए। और ऐसे करते करते उसके हाथ एक बार मेरी टेस्ट कॉपी लग गई। अब टेस्ट कॉपी लग गई तो फिर वे आई मेरे पास, भैया भैया अब क्या हुआ, भैया भैया मैं बोला क्या हुआ, बोलना क्या बात है, तो बोली भैया भैया ये क्या है। मैं तो शौक हो गया, अरे यार ये इसको कैसे मिल गया। मैंने बोला अरे बहना मेरी प्यारी बहना, ये कॉपी को ना जहाँ से लिया वहीं रख दे, पापा मम्मी को मत बताना, ठीक है? बता नहीं 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 मैं तो बताऊंगी, मैं बताऊंगी। तो मैंने बोला बहना हम जब चलेंगे ना नेक्स्ट दिन चलेंगे स्कूल, तब उस समय हमको पॉकेट मनी 50 पैसा या 1 रुपीस के आसपास उसमें हमको मिला करती थी, तो उस समय भी हमारे लिए अगर 50 पैसा या 1 रुपीस हमको मिल जाता था हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता थी। तो मैं क्या कहता, चल ठीक है बहना ये ले मेरा जो पॉकेट मनी है वो ले ले, मगर अपना मुंह हमेशा बंद रखना। मगर मैं उसको पैसा वहाँ पे दे देता था तो मैं अपना मुंह हमेशा बंद करके रख लेती थी, मगर बीच बीच में क्या होता कि हम जो भाई बहन है वो हमेशा उसमें टकराव तो होना ही होना है, तो मेरे को भी गुस्सा मतलब कि आ जाता था और उसको भी गुस्सा आता था, सिर्फ बातों में, खेल में, तो उसमें तो बचपना था। अब जाके पापा से बोल देती थी, पापा देखो भैया का आगे रिजल्ट आ गया और आपको उसने दिखाया नहीं। तो उस समय तो जैसे कि मेरे दिल पे बिल्ली गिर गई, अरे बाप रे क्या हुआ। पापा देखते थे ऐसे ऐसे, हाँ ये क्या है। मैं बोला पापा नंबर है पापा, इतने कम नंबर क्यों। पापा मैंने पढ़ाई तो किया था, मैंने याद भी किया था, मगर टेस्ट में गया पता नहीं मैं सब कैसे भूल गया। मतलब 3-4 तमाचे पड़ गए गाल पे। तो क्या बोले तड़। और भाई उस समय की जो बातें है ना वो अभी तक मेरे दिमाग में है। तो मैं बोला पापा सॉरी इस बार मेरे को माफ कर दीजिए, अगली बार तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और आज अच्छे से पढ़ाई करूँ। और फिर मैं उसको ऐसे देखते रेखा को, बेटा अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब तू देख। फिर जैसे पापा जाएंगे ड्यूटी में जाएंगे और मैं फिर उसके पीछे पड़ूंगा मानने के लिए, और फिर वो भागते जाएगी मम्मी के पास जाएगी, मम्मी से आगे लिपट जाएगी और मम्मी फिर मैं जाऊंगा तो मम्मी फिर मानने नहीं देगी। तो ऐसी मैं कि जो फनी जो यादें हैं वो अभी भी मेरे दिलो दिमाग में हैं। और एक बात मैं आपसे और शेयर करने जा रहा हूँ कि उस समय मेरे को कॉमिक का बहुत ही चस्का लगा था, आप उसको बोल सकते हैं। तो उसमें जैसे कि सुपर कमांडर ध्रुव हो गया, नागराज हो गया, डोगा हो गया, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं क्या पता उन्होंने उस समय की कॉमिक्स पढ़ी होगी, उनकी कॉमिक्स तो अभी भी आ रही है। तो मैं पढ़ती थी। अच्छा, सुपर कमांडर ध्रुव फेवरेट था। और मेरा था फेवरेट नागराज, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि मैं इतना उसका मतलब आप बोल सकते कि एडिक्ट हो गया था कि मैं कॉपियों के बीच में लेके उसको पढ़ा करता था। और ये बात रेखा को पता होती थी कि भैया ना वो कॉपी के बीच में लेके पढ़ रहा है,
मम्मी आएगी तो मम्मी सोचती थी हाँ मेरे बेटा कितना होशियार है, पढ़ाई कर रहा है, इतना ध्यान से आज तक भी देखा नहीं पढ़ाई करते, मगर अंदर तो मैं कुछ छोड़ पढ़ाई कर रहा होता था। तो फिर उसमें भी फिर मैं ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी थी, भैया भैया अगर तक ये कॉमिक पढ़नी है ना तो मेरे को आपको पॉकेट मनी देनी पड़ेगी। मैं चल ठीक है बहना तू ले ले, मगर बोलना नहीं। तो उसमें फिर भाई उस टाइम तो नहीं बोलते थे, फिर बाद में जब हम दोनों में थोड़ा होता था लड़ाई होता था फिर जाके बोल देते थे, फिर तार 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 फिर ऐसे। तो ऐसे ही मतलब कि ये सब तो की बचपन की बातें थी, और मगर एक और है फेविकोल वाला, आप और रेखा मिलके ट्यूशन टीचर के आने पर चिपकाते थे सर हाँ तो उस समय क्या था कि उस समय ये फेविकोल। फेविकोल वाला एक आता था एड आता था, ठीक है। तो एक हमारा आता था टीचर आता था, वो बड़ा ही रेखा को तो कम ही मारता था, क्योंकि रेखा स्टार्टिंग से ही काफी विलेन थी, मैं भी था मगर उनकी निगाहों में नहीं था। जो मेरा आता था टीचर आता था बोलता था यार इसको तो खूब मारूंगा, तब आप वो बोलते ना पीठ पीछे ना एकदम शैतानी वाली लड़की, और हाँ सामने एकदम आदर्श बेटी जैसे बन जाती तो मैंने और रेखा ने क्या प्लान बनाया कि जैसे भी आया ना टीचर, हमने पहले जाके ना मार्केट से फेविकोल ले लिया, और उसके उसके आने से कुछ टाइम पहले ही हमने उसको पूरा और हमने उसको लगा दिया। हमने सोचा अभी आएगा हमारा जो टीचर है वो आएगा, ट्यूशन टीचर बैठेगा और चिपक जाएगा। और अब दोनों इतना चालू थे कि उस टाइम चेयर जो थी ना प्लास्टिक वाली वो व्हाइट कलर की थी, इसलिए चूज किए थे कि व्हाइट फेविकोल व्हाइट चेयर, पता नहीं चलेगा। दिमाग देखो अरे दोनों भाई उस समय तो थोड़ा जासूसी दिमाग था, ठीक है। तो वे आया टीचर आया बैठा और हम तो खूब अंदर अंदर मुस्करा रहे हैं, हाँ हाँ अब तो गया। क्योंकि टीवी में हमको वैसे ही एड उसमें दिखाया जाता था कि भाई एक गाड़ी को इतने सारे लोग बैठे हैं और गाड़ी चल रही है और वे लोग हिल भी नहीं रहे। तो बाद में पता चला भाई वो तो ऐसे ही दिखाते हैं, वो बैठा उठा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों मुंह देखने लगा ये क्या हो गया भाई, हमारी प्लानिंग फेल। तो दोस्तों यही सब जो थी फनी बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये सब बातें जो मैं बात करूँ कॉमिक्स वाली बातें मैंने आज तक अपनी मैडम के साथ भी शेयर नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं वीडियो के सामने आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें मम्मी बताई थी इनकी, रेखा की या मित की मुझसे बताती थी, लेकिन कुछ चीज नहीं बताती थी वो, मतलब भूल जाती थी। तो रेखा बताई थी कुछ कुछ चीजें अपने भैया के बारे में, अपने बारे में। लेकिन एक चीज है, जब उनके भैया जब जाते ना, जब छुट्टी काट के जाते, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती, मेरे साथ साथ वो भी रोने लगती थी। तो भाभी रो रही है तो उनकी आंखों में भी बहुत आंसू आ जाते, क्योंकि एक फौजी का एक होता है ये, मतलब 10 दिन 15 दिन की छुट्टी होती है, पूरी पूरी फैमिली से दूर हो जाओ, तो काफी इमोशनल भी है वो, शैतान के साथ साथ इमोशनल भी है। अभी अरे भी अमित को तंग करती, इनको तंग करती, अब तो थोड़ा भैया को कम, लेकिन अमित की टांग की खिंचाई अभी भी करती है। सही बोला, मगर है बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंफॉर्मेशन आप लोग को दिए वे शेयर करती है अपने हर एक वीडियो में, है ना। अगर ये वीडियो तुम देख रही हो ना तो कमेंट करके पक्का बताना कि ये सब बातें जो मैंने बताई वे बातें सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर सही है तो पक्का बताना बचपन में कैसी थी, हमारा उस समय कैसा माहौल था, हम कैसे पले बड़े हैं, हम जो भाई हैं, जो हम चार दो भाई दो बहने हैं उनमें कितना प्यार है, कितना रिलेशन हमारा गहरा है। तो यही सब चीज़ें हम आप लोग के साथ हम शेयर करने जाएंगे। और अगर आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भाभी आप अपने फौजी लाइफ के बारे में, फौजियों की लाइफ के बारे में कुछ चीजें आप बताओ, तो बता सकते हो आप? हाँ बताएंगे आने वाले सब वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हाँ और जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आप कुछ भी मान लीजिए कि आप लोग लाइक बटन को इतना प्रेस करिए कि लाइक बटन ही टूट दूर जाए, दूर तक ना जाए, लाइक बटन ही टूट जाए, ठीक है। तक। यूट्यूब भी थोड़ा भचक्का रह जा रहा है भाई ये क्या हो गया भाई, इतने लोगों ने लाइक दबाया कि हमारा लाइक बटन ही टूट गया। मेरे ख्याल से ऐसा कोई फर्स्ट लेडी है, आमी आमी मैन की वाइफ है, जो पहली बार यूट्यूब पर आई है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और खुल के और चीजें आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे अथॉरिटी में है। ठीक है, आप लोग के भी साथ अगर बचपन में ऐसे अगर बहसबाजी प्यार मोहब्बत ऐसी कुछ बातें हुई हैं तो पक्का कमेंट सेक्शन में आप लोग हाँ भाई बहन वाला, भाई बहन शेयर वाला। कीजिएगा कि आप लोग के साथ आपकी बहन ने आपको कितना तंग किया या आपके भाई ने आपको कितना तंग किया।
और मैंने जो डिमांड किया था ना आप लोगों से सपने वाली, बहुत सारे लोगों ने अपना सपना मुझसे शेयर, मुझे काफी खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लोग मेरे ऊपर ध्यान दे रहे, मेरे वीडियो को देख रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप लोग अपने जो अपने बचपन का जो नटखट से तानिया होती है ना अपने भाई बहन के बारे में, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे शेयर करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हर चीज मैसेज पढ़ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक तो है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले क्या करना है बताओ? लाइक करना है, शेयर करना है, और करना है सब्सक्राइब करना है। बहुत सारा शेयर करो, सबके पास शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द। बाय।